हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में भी हम लोग अपना डीप लर्निंग प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे। हम लोग डीप लर्निंग में ऑप्टिमाइजर्स पढ़ रहे हैं और जो नेक्स्ट ऑप्टिमाइजर हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है RMS Prop। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन अराउंड RMS Prop। ठीक है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। RMS Prop का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर प्रॉप। ठीक है, एंड दिस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक इज बेसिकली एन इम्प्रूवमेंट ओवर एडाग्रैड। सो अगर आपको रूट मीन स्क्वायर प्रॉप समझना है तो आपको एडाग्रैड का नॉलेज होना चाहिए, जिसका वीडियो मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था। मैं थोड़ा सा डिटेल आपको बता देता हूँ। ऑल्दो सो लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि एडाग्रैड आप तब यूज़ करते हो जब आपके पास स्पार्स डेटा होता है। स्पार्स डेटा का मतलब आपके कुछ कॉलम्स में खूब सारी वैल्यूज़ मान लो ज़ीरो है, तो इस तरह के डेटा को आप स्पार्स बोलते हो। तो स्पार्स डेटा होने से क्या होता था कि आपका जो लॉस फंक्शन का पैरामीटर के साथ जो ग्राफ होता है कॉन्टूर प्लॉट वो बहुत इलॉन्गेट हो जाता है, ऐसा हो जाता है लाइक दिस, जैसा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब इससे क्या प्रॉब्लम होता है कि आप जब ऑप्टिमाइज करके मिनिमा तक पहुँचने की कोशिश करते हो तो आप इस तरीके के मूवमेंट करके आते हो, ठीक है, जिसमें टाइम वेस्ट होता है। आइडियली इस तरीके का मूवमेंट होना चाहिए डायरेक्टली इस जगह पे। तो मैंने आपको एनिमेशंस के थ्रू दिखाया था कि कैसे आपका बैच ग्रेडियंट डिसेंट या फिर मोमेंटम वो दोनों इस तरह के स्ट्रेच्ड आपके कर्व के ऊपर ये वाले मूवमेंट के थ्रू ऑप्टिमाइज करते हैं, जो कि टाइम टेकिंग होता है, स्लो होता है। तो यहीं पर एडाग्रैड आया था और एडाग्रैड ने क्या किया था, ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, राइट। नाउ फिर हमने डिस्कस किया था कि एडाग्रैड का भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था, और वो डिसएडवांटेज ये था कि आप एडाग्रैड में करते क्या हो कि आप लर्निंग रेट को रिड्यूस करते हो, यू रिड्यूस इट, बट एक पॉइंट के बाद लर्निंग रेट इतना रिड्यूस हो जाता है कि अपडेट जो होता है वो बहुत स्मॉल हो जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि आपका एडाग्रैड जो एल्गोरिदम है वो ठीक से कन्वर्ज नहीं कर पाता। अगर ये मिनिमा है तो वो यहाँ तक आके रुक जाएगा, यहाँ तक आके रुक जाएगा, ये मूवमेंट नहीं ले पाता, बिकॉज आपने लर्निंग रेट को इतना रिड्यूस कर दिया है कि अब जो अपडेट्स हो रहे हैं वो बहुत बहुत स्मॉल हैं और वो एक जगह पे जाके अटक जाता है। तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम था एडाग्रैड का। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है RMS Prop, ठीक है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे का मैथमेटिक्स क्या है, और फिर हम एनिमेशन के थ्रू देखेंगे ये पूरी चीज़ काम कैसे करती है। जो प्रॉब्लम मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया एडाग्रैड के अंदर, उसको एक बार मैथमेटिकली देख लेते हैं। सो हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा है जहाँ पे हमारे पास एक कॉलम में सिर्फ वन है, एक कॉलम में हमारे एक्स की वैल्यूज़ है जहाँ पे बहुत सारी स्पार्स वैल्यूज़ हैं, और फिर हमारा आउटपुट कॉलम है वाई। इस कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास बी पैरामीटर है, एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एम पैरामीटर है। तो जब आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो सिंस एक्स या फिर आप बोल सकते हो एम स्पार्स है तो इलॉन्गेटेड बोल प्रॉब्लम हो रहा है। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था एडाग्रैड के वीडियो में कि होगा क्या कि आप पहले तेज़ी से बी के डायरेक्शन में मूव करते हो और फिर आप एम के डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, मतलब शुरू में आप बी में चेंजेस कर रहे हो बिकॉज इट इज़ नॉन स्पार्स, और फिर एक पॉइंट के बाद आप एम के डायरेक्शन में चेंज करते हो। बट कभी कभी क्या होगा कि मान लो ये आपका लोकल मिनिमा है तो आप यहाँ पे आके रुक जाते हो, इस जगह पे आप ये वाला डिस्टेंस कवर नहीं कर पाते, मतलब वापस बी में मूव नहीं कर पाते। उसका रीज़न ये है कि बी इज़ योर नॉन स्पार्स पैरामीटर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है मैथमेटिकली अगर आप देखो तो आप जो बी है उसका लर्निंग रेट को डिवाइड कर रहे हो इस नंबर से वी टी,
और VT क्या है, पास्ट सारे ग्रेडियंट्स के स्क्वायर का सम। सो आफ्टर अ लॉट ऑफ ईपॉक्स क्या होगा कि शुरू से लेकर के उस पॉइंट तक, उस ईपॉक तक जितने भी ग्रेडियंट्स होंगे आप उन सबको ऐड करते जाओगे तो ये नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा। ये नंबर जैसे ही बड़ा होगा तो फिर लर्निंग रेट फॉर बी विल बिकम वेरी स्मॉल, और इसीलिए आप इस डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं ले सकते, आप यहाँ पे आके रुक जाओगे। आई होप आपको परेशानी समझ में आ रही है। सो पूरा का पूरा जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ इस बात से ओरिजिनेट हो रहा है कि आप ये जब VT वाला टर्म कैलकुलेट कर रहे हो तो आप पास्ट के सारे ग्रेडियंट्स को कंसिडर कर रहे हो, जिसकी वजह से ये VT बहुत बड़ा बन जाता है, उसकी वजह से ये पूरा टर्म बहुत छोटा बन जाता है, और उसकी वजह से ये पूरा टर्म बहुत छोटा बन जाता है और अपडेट ना के बराबर होता है। तो हमें किसी तरीके से इस VT को बहुत बड़ा होने से रोकना है, और यही प्रॉब्लम सॉल्व करता है RMS प्रॉप। लेट मी शो इट टू यू। RMS प्रॉप में आप एक छोटा सा चेंज करते हो, और वो छोटा सा चेंज ये है कि आप VT कैलकुलेट करते टाइम ये फॉर्मूला यूज़ करते हो, बीटा टाइम्स VT माइनस वन प्लस वन माइनस बीटा टाइम्स ग्रेडियंट का स्क्वायर, और नीचे वाला फॉर्मूला एज इट इज सेम रहता है। वेयर बीटा इज जनरली टेकन टू बी 0.95, ठीक है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। सो मेन डिफरेंस क्या आया कि पहले जहाँ पर आप अपने ग्रेडियंट का पूरा हिस्ट्री ले रहे थे राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईपॉक, अब आप क्या कर रहे हो कि आप एक्सपोनेंशियली वेटेड एवरेज ले रहे हो, एक्सपोनेंशियली डीकेइंग एवरेज ले रहे हो, जहाँ पर आप रीसेंट वाले जो ग्रेडियंट्स हैं उनको ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो और पुराने ईपॉक वाले जो वैल्यूज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे। तो ऑटोमेटिकली ये जो VT टर्म है ये उतना बड़ा नहीं होगा जितना यहाँ पर हो रहा था, उसकी वजह से लर्निंग रेट बहुत छोटा नहीं होगा, और उसकी वजह से ये पूरा टर्म बहुत छोटा नहीं होगा, और आप फिर भी अपडेट लेते रहोगे। बात को हम लोग मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। यू कैन सी, अगर आप V0 को ज़ीरो मान लो तो V1 क्या हो जाएगा, 0.95 मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो, बिकॉज VT माइनस वन इज ज़ीरो, मल्टीप्लाइड बाय 0.05 ग्रेडियंट इन स्टेप और ईपॉक वन का होल स्क्वायर। फिर हमने V2 निकाला तो V2 आ जाएगा ये प्लस ये, फिर हमने V3 निकाला तो V3 आएगा ये प्लस ये प्लस ये। यू कैन सी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आप ये जो ग्रेडियंट है ये ईपॉक वन के लिए है, ये ईपॉक टू में जो आया था, और ये ईपॉक थ्री जो सबसे रीसेंट वाला ईपॉक है। यू कैन सी कि जो ईपॉक वन वाला वैल्यू है उसमें हम इतने सारे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड सिंस दीज नंबर्स आर लेस देन वन तो ये और भी स्मॉलर नंबर बन जाएगा, वेयर एज दिस विल बी द लार्जेस्ट वन। सो हमने जो बात अभी बोली थी कि आप सबसे रीसेंट वाले ईपॉक्स को सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हो और पुराने ईपॉक्स को काइंड ऑफ भूलने लग जाते हो, दैट इज़ वाई यहाँ पर मैंने लिखा था एक्सपोनेंशियली डीकेइंग एवरेज है ये, ठीक है, और इसी की वजह से VT कभी भी शूट नहीं करता, बहुत बड़ा नहीं होता, जिसकी वजह से लर्निंग रेट बहुत स्मॉल नहीं होता और अपडेट्स आते रहते हैं, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम था एडाग्राड में वो यहाँ पर आके रुकता नहीं है, वो कन्वर्ज कर जाता है, ठीक है। मैं आपको एनिमेशन के थ्रू दिखाता हूँ, ऑल दो एनिमेशन में आपको कुछ डिफरेंस नहीं दिखाई देगा एडाग्राड और RMS प्रॉप में, बिकॉज मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एडाग्राड का ये जो प्रॉब्लम होता है ये तब आप देखते हो जब आप कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क्स के साथ काम कर रहे होते हो, या फिर ऐसा बोला जा सकता है कि जब आप नॉन कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होते हो। एडाग्राड जो होता है वो बिल्कुल सही काम करता है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स लाइक लीनियर रिग्रेशन।
और मैंने ये जो पूरा का पूरा एनिमेशन बनाया है, इनफैक्ट ये सारे ग्राफ्स जो आप देख रहे हो ये एक लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम के ऊपर है। दैट इज़ वाई यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि एडाग्रैड कन्वर्ज कर जा रहा है टुवर्ड्स ग्लोबल मिनिमा। बट अगर आप एक प्रॉपर न्यूरल नेटवर्क के ऊपर एडाग्रैड को अप्लाई करोगे यू वुड सी कि वो ग्लोबल मिनिमा रीच नहीं कर पाता, बट RMS प्रॉप कर जाता है दोनों जगहों पे, जब लीनियर रिग्रेशन में अप्लाई कर रहे हो तब भी और न्यूरल नेटवर्क के ऊपर कर रहे हो तब भी। सो यू कैन सी दिस इज RMS प्रॉप, हमने सेम प्रॉब्लम के ऊपर इसको अप्लाई किया है एंड यू कैन सी इसका जो ट्रेजेक्ट्री है वो बहुत कुछ एडाग्रैड की तरह ही है। इनफैक्ट मैं आपको साइड बाय साइड दिखा देता हूँ, दिस इज एडाग्रैड और इसका ट्रेजेक्ट्री यू वुड नोटिस बिल्कुल RMS प्रॉप की तरह है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, हमने लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम के ऊपर काम किया है और दैट इज वाई दोनों एल्गोरिदम्स बिल्कुल सिमिलरली बिहेव कर रहे हैं। बट अगर आप एक नॉन कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के ऊपर काम करो, किसी कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क के ऊपर काम करो, यू वुड सी कि एडाग्रैड मिनिमा तक नहीं पहुंच पाएगा, वेयर एज RMS प्रॉप पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एनिमेशन के थ्रू मैं आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखा पाऊंगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या बेनिफिट्स हैं। नाउ द क्वेश्चन इज क्या RMS प्रॉप में भी कोई डिसएडवांटेज है? द आंसर इज नो। एम्पेरिकली प्रूवन है कि RMS प्रॉप इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स टू ऑप्टिमाइज न्यूरल नेटवर्क्स। इनफैक्ट एडम के आने के पहले हम लोग मोस्टली RMS प्रॉप यूज करते थे टू ऑप्टिमाइज आर न्यूरल नेटवर्क्स। सो RMS प्रॉप आज भी एडम के साथ कम्पीट करता है। किसी प्रॉब्लम में अगर आपको एडम से उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते तो आप आज भी RMS प्रॉप को यूज़ करते हो। ठीक है, सो एज सच यहाँ पे कोई डिसएडवांटेज नहीं है, इट्स जस्ट कि एडम एक टेक्निक आ गया जो थोड़ा बेटर परफॉर्म करने लग गया RMS प्रॉप से, जिसकी वजह से RMS प्रॉप थोड़ा कम यूज़ होता है, बट स्टिल इट इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक विच हैज़ गॉट नो डिसएडवांटेजेस। सो दैट वॉज द वीडियो गाइज, आई होप आपको वीडियो समझ में आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।